हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैलिब्रेशन कैसे करते हैं किसी भी SMPS में। ये SMPS लाइनेज पावर का है, जिसे हम जी पावर भी कहते हैं। इसमें आज हम सीखेंगे बैटरी सेटिंग करना, डीजी एवरेज सेटिंग करना और आईपी एड्रेस डालना। और आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कि इसमें काम कर रहा है कि नहीं, और कैलिब्रेशन और स्टेटस इसमें दिखा रहा है कि नहीं। पिछले वीडियो में आप अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें आपको स्टेटस चेक करना बताया गया था कि स्टेटस कैसे देखते हैं, बैटरी डीजी एवरेज नॉक का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है और मेक आईडी चेक करने का। इस वीडियो में हम कैलिब्रेशन करना सीखेंगे। तो पहला हम लोग सेटिंग करते हैं बैटरी सेटिंग। बैटरी हमारा जिस कंपनी का है वो कंपनी का सेटिंग करेंगे। देखिए, उसके जाने के लिए सबसे पहले हम मेन्यू बटन दबाएँगे, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन जाने के बाद पावर प्लांट रिलेटेड में जाना है, जो हम आप दिख रहा ब्लैक पट्टी, उस पर जाना है। ठीक है, उस पर जाके हम मेन्यू बटन फिर से प्रेस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे बैटरी पे, डाउन बटन दबाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे बैटरी सेटिंग पे। बैटरी को ऑन करेंगे मेन्यू बटन से, ये आ गया। सबसे ऊपर में हमारा दिखा रहा है बैटरी टाइप, ये आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है बैटरी टाइप। बैटरी टाइप को हम चेंज करेंगे, जिस भी कंपनी का बैटरी रहेगा। यहाँ पे है जिस कंपनी का है उसका सेव कर दे रहा हूँ मैं। ये अप एंड डाउन से इसमें चेंज हो जाएगा, जितना एच है उतना एच का बैटरी इसमें सेट कर देना है। इसमें देख सकते हैं इसका हर बैटरी का सेटिंग इसमें अपलोड रहता है। यहाँ पे एक्जीकॉम का है तो इसमें एक्जीकॉम हम सेव कर देंगे। बैटरी स्ट्रिंग में अभी देखिए एक दिखा रहा था, अभी तीन आ गया है। बैटरी कैपेसिटी AH 100 दिखा रहा है। उसके बाद हम नीचे आके इसी में बैटरी रिचार्ज एमपीड लिमिट सेट कर देंगे। जितना मॉड्यूल है, जितना आपका कैपेसिटी रहेगा, उसमें पासवर्ड हाई लिख रहा है। एंटर पिन लेवल दिख रहा है आपको, हाई लिख रहा है। तो हाई में हम डालेंगे 1 2 3 4 5 और 3। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में 3 डालेंगे तो ये पासवर्ड खुल जाएगा। देखिए खुल रहा, पिन एक्सेप्टेड हो गया है, यस कर देंगे। उसके बाद इसका हम लोग सेटिंग में कम कर देंगे, वो हर साइट का, हर लोड का और कितने मॉड्यूल है उसके हिसाब से हर साइट की सेटिंग अलग अलग हो सकती, अलग अलग होती है। उसके बाद ये सेटिंग करने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे कि बैटरी कनेक्शन जो हम लोग सेटिंग किए वो उसमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। उसके लिए मेनू में जाएंगे, स्टेटस जाएंगे, लियोन बैटरी में जाएंगे और इसमें बैटरी वन खोलेंगे। देखिए इसमें दिखा रहा है आपको, बैटरी प्रेजेंट दिखा रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है, SOC दिखा रहा है। वो आप बाकी स्टेटस आपको मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे डीजी एवरेस्ट का हम स्टेटस में चेक करेंगे कि आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है। उसके लिए जनरेटर में जाएंगे, देखेंगे इसमें वोल्टेज अभी कुछ नहीं दिखा रहा, ना EB है ना DG का वोल्टेज दिखा रहा है, कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बाहर निकलेंगे, मेन्यू बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, उसके बाद सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ मोड लिखा हुआ है मोडबस डिवाइस में जाएंगे और इसमें सबसे नीचे आएंगे। देखिए इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है MBD 24। हम लोग को MBD 24 में ना जाके MBD 23 में ऑन करना है। इसमें देखिए डिवाइस इनेबल लिख रहा है, लेवल में कुछ नहीं है। तो सबसे नीचे आएंगे, इसको ऑन करेंगे, सेव करेंगे, इसमें डालेंगे अब MBRM1, सेव कर देंगे। उसके बाद अप में जाएंगे, फिर इसमें मेन्यू बटन दबा के इसको ऑन करेंगे, इसमें लिखेंगे MBRM RMDG1, सेव कर देंगे। स्लेब ID हमारा 26 रहेगा, इसको यहाँ पे 26 कर देंगे, स्लेब ID 26 कर दिया, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद ये जो डिसेबल था इसको आप इनेबल कर देंगे। पहले इनेबल नहीं करेंगे, अगर सेटिंग भी करना है या बदलना है तो पहले हमको इसको डिसेबल करना पड़ेगा। और अगर डिसेबल है तो नीचे से सेटिंग शुरू करेंगे, नीचे सेटिंग करते हुए जब सब सेटिंग हो जाएगा उसके बाद इसको इनेबल कर देना है, तो हमारा ये सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव दो बार दबा देना है। सेव हो जाने के बाद हम बाहर आके इसको चेक करेंगे कि ये सेटिंग हो गया कि नहीं और डाटा इसमें हमारा दिखा रहा है कि नहीं। तो जाने के लिए मेनू में जाएंगे, स्टेटस जाएंगे, उसके बाद हम ये जाएंगे जनरेटर में। जनरेटर में जाके देखिए हमारा वोल्टेज आ गया, यानी कि मेंस हमारा अभी आ रहा है साइड पे। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद हम लोग सेव करेंगे इसमें
आईपी एड्रेस जाने के लिए इसमें फिर वैसे ही जाएंगे मेनू सिस्टम सेटिंग, उसके बाद जाएंगे हम लोग कम्युनिकेशन में, उसके बाद कम्युनिकेशन में जाने के बाद इसमें आ जाएंगे नेटवर्क में, नेटवर्क में जाने के बाद ये दिख रहा है IPv4 है, इसमें IPv4 में जाएंगे। ये जो आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम लोग इसको खोलने के लिए इसमें मेनू बटन दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, और ये लेफ़्ट राइट इससे होता है, जो भी आपका आईपी एड्रेस हो इसमें आप ऊपर नीचे करके इसमें सेव आप कर सकते हैं। सेव करने के बाद मेनू सेव कर इसमें डाल देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे, उसके बाद इसमें जो होगा वो सिर्फ डाल देंगे। और आईपी एड्रेस में जितना आप अगर यहाँ पे वन लास्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे वन लिख के आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे इसमें 2.1 लिख रहा है तो यहाँ पे 2.0 होगा। लास्ट वाले में एक नंबर, लास्ट डिजिट एक नंबर कम रहता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे 20 रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर वाली लाइन में, यहाँ 20 लिखा रहेगा, मान लीजिए मैं दिखाता हूँ ठीक से, यहाँ लिख रहा है 186.2.0 लिख रहा है, तो अगर हम नीचे वाले में सेव करेंगे तो यहाँ पे लिख यहाँ पे आएगा 1.168.2 यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये लास्ट वाला ऊपर जितना रहेगा नीचे वाले में एक पॉइंट कम रहता है। तो ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस सेट करने के लिए। जिसमें आईपी एड्रेस सेट नहीं रहता है, आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस उसी में रहता है जो साइटें IPv4 रहती हैं, जो हमारे जियो के टेक्नीशियन हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, उनको पता होगा कि IPv4 और IPv6 कौन सी होती है। तो जिसमें IPv4 होगा उसी में हमें आईपी एड्रेस मिलेगा और उसी में हमें सेव करना है, और जिसमें IPv4 नहीं होगा उसमें MAC ID डालना पड़ता है। MAC ID देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेनू स्टेटस, उसके बाद जाएंगे सिस्टम इन्फो में, उसके बाद कंट्रोलर इन्फो में जाएंगे, उसके बाद ये देखिए हमारा नीचे में MAC ID लिख के आ रहा है। उसमें आने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें MAC ID दिखेगा, और इसको जस्ट ऊपर करेंगे फर्स्ट में तो ये हमारा वर्जन दिख रहा है, यानी कि वर्जन इसका है VTRI 0.2.9। तो ये हमारा कैलिब्रेशन हो गया, इतना ही कैलिब्रेशन है, इसमें सेटिंग कर सकते हैं। LVD की स्टेटस चेक करने के लिए सबसे अच्छा इसमें देख सकते हैं, पिछले हमने आपको LVD का स्टेटस नहीं बताया था, तो इसमें आपको LVD का स्टेटस देखने के लिए मैं बता दूंगा LVD का स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए मेन्यू में जाएंगे, स्टेटस में जाएंगे, पावर प्लांट रिलेटेड में जाते हैं, और इसमें नीचे आएंगे तो देखिए एक जगह डिस्कनेक्ट लिखा होगा, ये डिस्कनेक्ट हमारा लिख रहा है, तो डिस्कनेक्ट यहाँ लिख रहा है बैटरी वन डिस्कनेक्ट, और नीचे लिख रहा है लोड वन डिस्कनेक्ट। तो बैटरी वन डिस्कनेक्ट हमारा BLVD हो गया, लोड वन डिस्कनेक्ट हमारा LLVD हो गया। तो अभी हम सिर्फ LLVD का स्टेटस देखेंगे क्या दिखा रहा है। तो ये देख सकते हैं LLVD 1 में हमारा क्लोज लिख रहा है, यानी कि हमारा LLVD होल्ड है, जिससे हमारा अभी साइट चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है। और नीचे लिख रहा है डिस्कनेक्ट कंट्रोलर, यानी कि डिस्कनेक्ट कंट्रोलर खोलेंगे तो इसमें सेटिंग जितना पर रहेगा, जितना हमको डिस्कनेक्ट करना है उतना कर देंगे। उसके बाद रिकनेक्ट हमेशा डिस्कनेक्ट से 2 वोल्ट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 2 वोल्ट ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारा LVD का और DG का बैटरी का हमने आपको सेटिंग आज बताया है। बाकी आप जो जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट में लिख कर हमें पूछें कि हमें कौन सा और सेटिंग आपको चाहिए, या फिर किस चीज़ पे आपको सेटिंग और देखना है, तो वो आपको सेटिंग हम प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, तो आप लोग फॉलो लाइक शेयर करें, धन्यवाद।